बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। नई वीडियो नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्रिस्पी अनियन रिंग्स, झटपट आप घर में कैसे बना सकते हैं। बस आपने करना ये है, मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अनियन रिंग्स की रेसिपी बहुत आसान और सिंपल सी है, आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि आपका रिजल्ट भी सेम ऐसा ही आए। तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इसके इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अनियन रिंग्स का बैटर या वो मिक्सचर तैयार करने के लिए हैं जिसमें हमने अनियन रिंग्स डिप करके फ्राई करने हैं। इस बैटर को प्रिपेयर करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है, 1/2 टेबलस्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने अजवाइन ली है, 1/2 टेबलस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, चंद पत्ते धनिया के लिए, 1/2 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया पाउडर लिया है, और ये मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, इसको मैंने छान लिया अच्छे से। अब इन सारी चीज़ों को आपने बेसन में मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं अच्छे से। अब इसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है ताकि ये मिक्सचर के फॉर्म में आ जाए। ना आपने इसको ज़्यादा पतला कर देना है और ना ही आपने इसको ज़्यादा थिक रखना है। इसको आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक स्मूथ सा मिक्सचर बना लेना है, और आपने इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है कि ना ही ये ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम चलते हैं अपने रिंग्स की तरफ। ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है इनकी। मैंने एक नॉर्मल प्याज लिया था और इसके मैंने स्लाइसिस कर लिए हैं। इसमें से आपने रिंग्स निकाल लेने हैं। ये सारे रिंग्स मैंने निकाल लिए थे। अब आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए पानी में डिप करके रख देना है, इससे ये क्रिस्पी बनते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसको पानी से निकाल लिया था। अब ये जो मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया था इसमें आपने 1 बाय 1 इनको ऐड करना है और इनको अच्छे से मिक्स करके सही तरह से जब ये डिप हो जाए, मिक्सचर इन पर लग जाए, तो आपने इनको फ्राई कर लेना। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर आपने इसमें रिंग फ्राई करने हैं। अगर ऑयल ठंडा होगा तो आपके रिंग्स जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस तरह से आपने इनको फ्राई कर लेना है और जब इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो आपने इनको डिश आउट कर लेना। ये देख सकते हैं ये फ्राई हो गए हैं, इनका बहुत प्यारा सा ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसको अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे।
जी व्यूअर्स, तो ये थी आज की रेसिपी जिससे आप घर में क्रिस्पी अनियन रिंग्स बना सकते हैं। इसको मैंने इमली आलू बुखारे की चटनी और केचप के साथ सर्व किया है। इन दोनों की रेसिपी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इनको भी देखें और घर में बनाएं। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप भी ट्राई करें, अपने व्यूज हमसे शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है काइंडली इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई वीडियो नई रेसिपी के साथ।